दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एजीआर वाले मैटर ने सारी की सारी टेलीकॉम सेक्टर की यहाँ पे कमर तोड़ दी। ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का दोस्तों इन कंपनियों पे यहाँ पे कर्ज है। और कुछ दिनों पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कड़ा तमाचा यानी कड़ा दोस्तों यहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे की थी डीओटी के ऊपर, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर कि यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे डीओटी की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर। एजीआर वाले मैटर को फिलहाल दोस्तों यहाँ पे फोकस नहीं किया जा रहा, कोरोना वायरस से किस तरह से लड़ना है उसके बारे में दोस्तों डीओटी यहाँ पे तैयारी कर रहा है। क्या दोस्तों ये थोड़ी राहत की बात है वोडाफोन आईडिया के लिए? क्या दोस्तों डीओटी यहां पे कर रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स, अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए दोस्तों। भारत ने तो बता दिया कि हम इससे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। दोस्तों प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आने वाले 21 दिन तक हमें घर पे ही रहना है, ये लॉकडाउन है पूरा का पूरा। भारत, आपको घर से बाहर नहीं निकलना, अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना वायरस आपका कुछ भी नहीं कर सकेगा। इस चेन को हम तोड़ के दोस्तों डेफिनेटली जीतेंगे। अब आते हैं आज के मुद्दे पे दोस्तों, बात की जा रही है यहां पे एजीआर वाले मामले में। दोस्तों एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जहां पे 1.5 लाख करोड़ का दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पे यहां पे कर्ज यहां पे बताया है। कंपनियों की हालत यहां पे फिलहाल यहां पे टाइट है। डीओटी की तरफ से दोस्तों एक स्टेटमेंट निकल के आया, जहां पे डीओटी दोस्तों बता रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने फोकस ऑन ensuring that the digital infrastructure is robust and strong to support needs of millions of Indians coronavirus se ladne ke liye. DOT ne clear kar diya ki hamara primarily focus jo bhi hai, hum khas karke bhi focus yahan pe kar rahe hain ki yahan pe karodon jo users hai dosto, jahan pe un sabhi ko best network yahan pe mile aur kisi bhi tarah ka koi problem na ho, digital infrastructure yahan pe majboot rehna chahiye. Official dosto ne bataya ki HSS gross revenue jo crisis hai AGR wala, uske bare mein abhi humne usko next topic pe dal diya, matlab usko abhi hum nahi soch rahe. हमारी प्राइमरिटी जो है यहां पे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नेटवर्क मजबूत रहना चाहिए। एंड द मीनिंगफुल दोस्तों डिस्कशन मीटिंग हैव बीन हेल्ड, द पेमेंट्स ऑफ द रीसेंट पास्ट जो हमारी पहले बात हुई थी वो सब के सब यहां पे हुई है। देयर हैव बीन नो नोटिस सेंट टू टेलकोस ऑन द एजीआर पेमेंट्स और एनी डिस्कशन ऑन इट। किसी भी तरह का नोटिस फिलहाल दोस्तों डीओटी ने सारी कंपनी को नहीं सेंड किया अभी तक दोस्तों एजीआर वाला, और किसी भी तरह का दोस्तों यहां पे पेमेंट के लिए बात नहीं हुई है अभी तक। ये बताता है कि डीओटी का फोकस अभी फिलहाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वैसा होना भी चाहिए क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो कोरोना वायरस है। The focus of Department of Telecommunication DOT is on how to ensure smooth running operations during the coronavirus pandemic and said government officials we do not want to be named. जिस बंदे ने बताया दोस्तों यहां पे सरकार के ऑफिशियल ने, वो नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनका फोकस यहां पे कि स्मूथली हमारा ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम करे, टेलीकॉम सेक्टर स्मूथली काम करे, लोगों को यहां पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पे है। This is important that for the telecom sector since the Supreme Court 17 मार्च को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सारी को डब्बे में डाल दिया था। जो एजीआर में दोस्तों सेल्फ असेसमेंट वाला मैटर था ना, वो बहुत बड़ा क्रिटिकल था, उसको यहां पे क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, पूरा पैसा भरना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज भी यहां पे गवर्नमेंट की एडमिट कर ली कि हम यहां पे नेक्स्ट सुनवाई पे बार, मतलब 2 वीक के बाद जो सुनवाई होने वाली है उसमें हम यहां पे जो 20 साल का टाइम मांग रहे थे ना कि 20 साल तक इनको इंस्टॉलमेंट सिस्टम दे दिया, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं, लेकिन जो सेल्फ असेसमेंट का मामला था उसको तो यहां पे क्लियरली यहां पे हटा दिया गया। फ्रेंड्स, उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि जो अपेक्स कोर्ट है दोस्तों 21 दिन के बाद बताया जा रहा है कि 2 वीक के बाद यहां पे बात करेंगे, लेकिन 21 दिन का तो लॉकडाउन ही है, तो अब कब तक दोस्तों यहां पे सुनवाई होगी उसमें तो अभी शंका के बादल यहां पे कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कब यहां पे सुनवाई करेगा एजीआर के मैटर पे, क्योंकि 21 दिन का तो फिलहाल लॉकडाउन ही यहां पे चलने वाला है, तो वो तो नेक्स्ट टाइम आएगा दोस्तों तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों टेलकोस जो है तो कंपनी जो है बता रहे हैं कि देयर पार्ट सेज द कोविड-19 क्राइसिस हैज अंडरलाइन कोविड-19 जो अभी जो दोस्तों कोरोना की जो भी महामारी फैल रही, इसने एक चीज तो क्लियर कर दी है, द फैक्ट दैट इंडिया नीड्स 3 healthy private players to serve population of 1.3 billion users. Yes, दोस्तों ये चीज तो क्लियर कर दी टेलीकॉम कंपनी से इनडायरेक्टली, तो हिंट यहां पे दे दिया है कि इंडिया में दोस्तों इस तरह की महामारी के हिसाब से एक चीज तो पता चल गई कि इंडिया को 3 private players चाहिए इस तरह की महामारी से बचने के लिए और 1.3 billion users को कैटर करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए। अगर यहां पे दो होते तो प्रॉब्लम हो सकती थी फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये चीज तो क्लियर है कि यहां पे डीओटी का प्राइम फोकस अभी यहां पे कोरोना वायरस है, ना कि एजीआर वाला ड्यूस। अब दोस्तों डीओटी क्या कदम उठाएगा वो तो देखने वाली चीज है, लेकिन आज जो अपडेट आया था मैंने आपके साथ शेयर यहां पे किया कि डीओटी ने क्लियर कर दिया कि फिलहाल हमारा फोकस कोरोना वायरस से लड़ना है, और उसके लिए जितनी भी कंपनीज दोस्तों यहां पे काम कर रही है उनका नेटवर्क सही तरीके से काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों यहां पे बड़ा अच्छी तरह से मजबूती से काम करे, लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना है। और उधर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग में क्या बोलता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल कुछ माली बोलते हैं ना कि अच्छी राहत की बात यहां पे वोडाफोन आइडिया के लिए है, जहां पे उसको डीओटी की तरफ से किसी भी तरह का कोई नोटिस फिलहाल नहीं दिया जा रहा है।
फ्रेंड्स, ये वीडियो को अच्छा लगाओ, इन्फॉर्मेटिव लगाओ, एक थम्स अप तो बनता ही है दोस्तों। आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा आपको घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।